मुझको त्योहार क्यों दिए ना, उत्तरकाशी का ना, बड़कोट का ना, नौगांव का ना, मोरी का, जो हमको डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिला दे, अगर हम कोई बात करना भी चाहे तो नहीं मिला दे, हमको किसी का सहारा देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई ना कोई तो एक जनप्रतिनिधि ऐसा निकले जिसके सहारे हम डायरेक्ट बात हमारी शासन में जा सके। ऐसे काम तो जैसे काम कर रहे लोग, ये तो सबके काम चलते रहते, रूटीन के काम है। जबकि वो नौटियाल जी जो बरखालाल जी के साथी हैं, इन्होंने कितना प्रयास किया। परसों मैं सुन रहा था 29 एकड़ जो कोरडा के लोगों ने यहाँ डिग्री कॉलेज के अनुदान करी, 1980 नारी जमीन, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, मैं नौटियाल जी से भी बात करता रहता हूँ, यहाँ डिपो खुल रहा था, हमारे पुरोला में कम से कम 25 रोडवेज की गाड़ियाँ खड़ी रहती, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की आपसी मनमुटाव से वो हमारा डिपो भी चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे हम सबको जुआठा जी के विचारों पे मंथन करना चाहिए, उनकी सोच पे मंथन करना चाहिए कि हमको क्या करना है। बाकी सब खड़ी ये रास्ते, ये सब दीवारें लगती रहेगी, लेकिन कुछ काम ऐसे करके जाने पड़ेंगे जो हमारे बच्चे हमको याद करेंगे, और वो काम वो कर सकता है जिसको हम चुन के भेजेंगे। जब वही दूसरी लाइन में चलेगा तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और अंत में मैं सभी का धन्यवाद, बहुत कुछ है बोलने के लिए जौंठा जी ने तो क्या करा, उत्तर प्रदेश में बिग पावर थी। जो अभी आप कुमाऊँ जाएंगे तो मैं एक महीने के लिए सर्वे में कुमाऊँ गया था, तो जहाँ जहाँ मैं गया, यहाँ नहीं मानते, वहाँ बरखेलाल जी को बहुत मानते हैं कि बरखेलाल जैसे नेता कोई उत्तराखंड में नहीं था। बरखेलाल की तुलना बहुगुणा जी से होती है, बस बाकी किसी एनडी तिवारी से। तीन लोग उत्तराखंड के ऐसे लोग थे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका आज उत्तर प्रदेश में भी नाम है। बाकी मैं सभी का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और बरखेलाल जी के चरणों में उस पर जय हिंद, जय भारत। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कई सड़कों का निर्माण कराया है, कई पुलों का निर्माण कराया है, यही नहीं पूरे उत्तराखंड में कहीं हर जगह पे इन्होंने विकास की, जो गंगा प्रवाह की थी उत्तराखंड में, आज उनकी पुण्यतिथि है, और उनकी पुण्यतिथि पे हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जो नया नेतृत्व आया है उत्तराखंड का, वो भी उनकी जैसे सोच रखे, और जिससे कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बहे और रोजगार यहाँ पे पैदा हो, ताकि यहाँ के युवा दर दर ना भटके। इसलिए स्वर्गीय जौंठा जी जैसी सोच रखे यहाँ आज इस क्षेत्र के रवाई घाटी के स्वर्गीय विकास पुत्र माननीय श्री स्वर्गीय बरखेलाल जौंठा जी की 19वीं पुण्य जन्मतिथि है। माननीय जौंठा जी इस रवाई क्षेत्र के एक विकास योग्य कर्मठ और विकास पुरुष थे। आज 19 सालों में हम देख रहे हैं कि ऐसा नेता अभी तक इस पुरोला क्षेत्र में नहीं उभरा है। मुझे लगता है कि ये रवाई घाटी ऐसे नेता से, जो एक विकास पुरुष था, उससे अनाथ हो गई है, और हम अपेक्षा करते हैं कि कोई न कोई ऐसा नेता हो जो बरखेलाल जौंठा जी के पद चिन्हों पे चल सके।